देखिए भारत एट नाइन काविंद्र चौहान के साथ। भारत एट नाइन में आपका स्वागत है। बात बस इतनी सी है कि अगर गलती इनकी है तो आखिर सजा इनको क्यों है? गलती अगर एक तरफ की है तो सजा इनको क्यों है, ये बड़ा सवाल भी बन सकता है और ये पैर भी पसार रहा है। आपको बता दूं कि अगर आप सड़क पर जा रहे हो, अगर आप स्कूटी से हो, बाइक से हो और गड्ढों में गिर कर अगर आपको चोट लग जाए, अगर आप इंजर्ड हो जाए, तो क्या कभी किसी ट्रैफिक पुलिस वाले से आपने इसका चालान वसूला है? क्या उस सड़क को बनाने वाले ठेकेदार पर कोई मुकदमा आज तक दर्ज हुआ है? क्या हॉस्पिटल में अगर किसी लापरवाही के चलते अगर किसी के साथ कुछ गलत हो जाए तो ऐसे में क्या पूरा हॉस्पिटल उसका जिम्मेदार होता है? क्या पॉलिटिशियंस के भड़काने के चलते अगर दंगे होते हैं और दंगे हुए भी इतिहास में, तो क्या उस दंगों को लेकर कभी किसी पॉलिटिशियन को आपने सजा पड़ते हुए या फिर किसी पॉलिटिशियन को आपने नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देते हुए या फिर खुद पर मुकदमा दर्ज कराते हुए कभी भी देखा है? क्या बेरोजगारों को नौकरी ना मिल पाना और दूसरी तरफ बहुत सारी नौकरियां सरकारी हवाले पर होना, इसके बावजूद नौकरी ना मिल पाना, इसके लिए क्या कभी भी किसी पॉलिटिशियन ने जो पावर में है क्या उसने अपने आप को आरोपी बनाते हुए, खुद को सजा देते हुए इस्तीफा दिया है? आपने कभी इस चीज को देखा है, गौर किया है? कभी नहीं हुआ है क्या? जब सुरक्षा को लेकर तमाम दावे करती सरकारें, क्या सुरक्षा को लेकर तमाम दावों के साथ पेश आती पार्टियां जब चुनाव संपन्न हो जाते हैं लेकिन इसके बावजूद अगर कोई भी घटना होती है, मर्डर की घटना हो, रेप की घटना हो, क्या इसके बाद किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को अपना दावा या वादा याद आता है? क्या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी कभी इस बात को लेकर इस्तीफा देते हुए आज तक नजर आती है? आज मेरे नीचे आपको दो तस्वीरें दिख रही होंगी, एक तरफ परीक्षार्थी लिखा है, एक तरफ रिक्तियां लिखा है। आप भी परेशान होंगे कि आखिर पूरा मसला क्या है। तो मसला दरअसल राजस्थान से आता है। राजस्थान में एक बड़ा मसला हुआ जिसको लेकर अब मसाला भी पक रहा है। आपको बता दूं कि 26 सितंबर को एक एग्जाम कराया गया था, रीट का एग्जाम था, लेवल 2 का। रीट यानी कि राजस्थान एलिजिबिलिटी एग्जामिनेशन फॉर टीचर्स, ये टायर 1 और टायर 2 मतलब प्राइमरी टीचर्स और अपर प्राइमरी टीचर्स का एग्जामिनेशन होता है। लेकिन जो रीट एग्जामिनेशन हुआ था लेवल 2 का वो अपर प्राइमरी टीचर्स के लिए था। ये एग्जाम होता है 26 सितंबर को, लेकिन रिजल्ट आने के बाद भी इस एग्जाम को अब रिक्रूटमेंट जो है इसका वो पूरी तरीके से कोलैप्स कर दिया गया है। मतलब अब भर्ती प्रक्रिया जो है उसको ठप कर दिया गया है, उसको बंद कर दिया गया, किसी भी तरीके की भर्ती नहीं की जाएगी। भर्ती क्यों नहीं की जाएगी? भर्ती इसलिए नहीं की जाएगी क्योंकि सरकारी अमला फेल हो गया है, क्योंकि सरकार फेल हो गई है। सरकार एक एग्जामिनेशन नहीं करवा सकती, इसलिए अब इन लोगों को भुगतना पड़ रहा है। सरकार की गलती इन पर भारी पड़ रही है। सरकार जिसके ऊपर जिम्मेदारी है, सरकारी एजेंसियां जिनके ऊपर जिम्मेदारियां हैं कि वो एग्जामिनेशन को कंडक्ट कराएं, और एग्जामिनेशन को कंडक्ट कराने के बाद जो लोग उस एग्जाम में पास हुए हैं उनको मेरिट के आधार पर नियुक्ति दी जाए, नौकरी दी जाए। लेकिन सरकार अगर नाकाम होती है तो इसका ठीकरा भी इन्हीं लोगों पर फोड़ा जाता है। परीक्षार्थी थे, आपको बता देता हूं कि रीट के एग्जामिनेशन में 16 लाख से ज्यादा लोग बैठे थे, 16 लाख से ज्यादा परीक्षार्थी बैठे थे, 31,000 के लगभग रिक्तियां थी। इस एग्जाम को कंडक्ट कराया गया, इस एग्जाम में सब कुछ होता है, एग्जामिनेशन होता है, पेपर होता है, सब कुछ होता है, रिजल्ट आता है। रिजल्ट के बाद आपको बता दूं कि बीकानेर पुलिस जो है वो एक उसी दिन जिस दिन एग्जाम था उसी दिन वो पता करती है कि कुछ लोग ब्लूटूथ डिवाइस लेकर एग्जामिनेशन सेंटर में आए थे, जिसके बाद कहा जाता है कि ये चीटिंग का मसला है। लेकिन जब धीरे धीरे जांच बढ़ती है तो पता लगता है कि ये चीटिंग का नहीं, ये दरअसल उससे भी बड़ा मसला है। इसके बाद स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप SOG इसको फॉर्म किया जाता है। SOG अपनी तफ्तीश आगे बढ़ाती है तो पता चलता है SOG के ADG जो हैं अशोक राठौर साहब, उनका बयान आता है, वो बताते हैं कि दरअसल एग्जामिनेशन के दो दिन पहले 24 सितंबर को पेपर को चुराया गया था, पेपर स्टोलन था। मतलब जो कंडक्ट होना था एग्जाम उसका जो पेपर था उसको दो दिन पहले ही चुरा लिया गया था, और उसको चुराया गया था शिक्षा संकुल जो है जयपुर में, उससे चुराया गया था। यह भी सरकारी है, सब कुछ सरकारी है। और पेपर कैसे चुराया गया, क्यों चुराया गया, कैसे नहीं चुराया गया, इसको लेकर इन्वेस्टिगेशन होनी थी। इसकी इन्वेस्टिगेशन के बाद जो जो लोग इसमें शामिल थे उनको सजा पड़नी थी, सिंपल एज दैट। लेकिन सजा कौन भुगत रहे हैं? सजा वो लोग भुगत रहे हैं जो सालों से मेहनत कर रहे थे, जो सालों से लगे पड़े थे, सालों से मेहनत कर रहे थे, और सालों की मेहनत के बावजूद इन लोगों को अब सजा भुगतनी पड़ी। तो सरकार ने जो गलती की उसकी सजा अब ये लोग भुगत रहे हैं, ये परीक्षार्थी भुगत रहे हैं। 16 लाख लोगों ने एग्जाम दिया था, कुछ लोग पास हुए, 31,000 रिक्तियां थी, लेकिन सब कुछ खत्म हो गया उसी वक्त जब इस पूरी भर्ती प्रक्रिया को ठप कर दिया गया, रिक्रूटमेंट जो होना था उसको पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया। और ये बड़ा सवाल है, इसको राजस्थान लेवल तक ना समझकर यह पूरे देश तक बात फैलनी चाहिए कि किस तरीके से राजस्थान के परीक्षार्थी, राजस्थान के लोगों के साथ किस तरीके के वहां के युवाओं के साथ अन्याय हो रहा है।
और ये बहुत ज्यादा सोचने वाली बात है कि नेशनल मीडिया का तो छोड़िए, लेकिन रीजनल मीडिया, स्टेट मीडिया इसको लेकर बात नहीं कर रहा, चर्चा नहीं करना चाहता, जबकि कितने लोगों की जिंदगियां जो है अब दांव पर लगी हुई है। काफी लोगों के प्लानिंग्स होती हैं, काफी लोगों की चीजें होती हैं, लेकिन इसके बावजूद सरकार की गलतियों की पनिशमेंट ये लोग भुगत रहे हैं। ऐसी कई तस्वीरें मेरे पास आती हैं, उन तस्वीरों को भी अभी थोड़ी देर में चलाएंगे, लेकिन उससे पहले मैं लगातार ये बात कह रहा हूं कि ये महज इतना सा मसला नहीं है कि एक एग्जामिनेशन जो था वो गड़बड़ उसमें पाया गया, उसके बाद इस पूरी पॉलिसी को, रिक्रूटमेंट जो होना था, इस सबको खत्म कर दिया गया और एक लॉलीपॉप थमाया जा रहा है सरकार की ओर से कि जुलाई में 31 नहीं भाई 62 कर देंगे, इतनी रिक्तियां लेकर आएंगे और दोबारा से आप एग्जाम दीजिए। कभी भी सरकार के उस व्यक्ति ने यह बात सोची है कि अगर यही सब लोग कह दें कि सर आप एक एग्जाम नहीं करा पाए, आप एक काम करिए, आप अपनी गवर्नमेंट को पूरी तरीके से कोलैप्स करा दीजिए और एक बार फिर इलेक्शंस करवाइए, एक बार फिर इलेक्शंस होंगे और इलेक्शंस के बाद हम देखेंगे कि अगर आप दोबारा सत्ता में आते हैं तो आप कराइएगा फिर एग्जाम। भाई एग्जाम आप कंडक्ट सही से नहीं करा पाए, तो आप अगर एग्जाम सही से कंडक्ट नहीं करा पाए, जो कि दरअसल आपकी जिम्मेदारी थी, तो सबसे पहले तो आप इस्तीफा दीजिए, आप गवर्नमेंट को पूरी तरीके से कोलैप्स कराइए और फिर दोबारा से इलेक्शन कराइए, दोबारा से मैदान में आइए, दोबारा से आप परीक्षा दीजिए और फिर अगर आप जीतते हैं तो फिर कहिएगा कि नहीं नहीं इतनी रिक्तियां इस बार हम दे रहे हैं, हम दोबारा जीत कर आए हैं, हम इस बार इतनी रिक्तियां दे रहे हैं। तो अगर आप दोबारा टेस्ट नहीं दे सकते पॉलिटिकल लेवल पर इलेक्शन के थ्रू, तो फिर आप इन परीक्षार्थियों को जिन्होंने इतनी मेहनत करी, जो परीक्षा केंद्र तक पहुंचे, जिन्होंने एग्जाम दिया और फिर फुल एग्जाम दिया, मेहनतकश लोग जो थे, अगर वो पास हुए अपनी मेहनत के चलते, तो आज उनको रिक्रूटमेंट का जो उनका राइट है, उनको जो नियुक्ति दी जानी थी आज क्यों नहीं दी जा रही, ये एक बड़ा सवाल है। इसी के साथ ये भी पूछ रहे हैं कि क्या सरकारें आपस में लड़ती रहेंगी, मतलब विपक्ष जो है वो एक अपना रोल प्ले कर रहा है, इसको लेकर हम सवाल लगातार दरअसल बार बार कर रहे हैं, क्या धांधली हुई तो जिम्मेदारी किसकी और सजा किसको दी जा रही है, सालों की मेहनत कौन वापस करेगा, ये जो सालों की मेहनत है इन लोगों की उसको कौन वापस करेगा, दोषियों को सजा कैसे मिलेगी, तो धांधली हुई है तो उसकी जिम्मेदारी किसकी है, सालों की मेहनत को कौन वापस देगा, ये एक बड़ा सवाल है दर्शकों। दोषियों को सजा होनी चाहिए, मेहनतकश लोगों का क्या कसूर है, इनको सजा क्यों दी जा रही है। प्रियंका गांधी जी, राजस्थान की बेटियां रो रही हैं, आप कहां हैं, विपक्ष राजनीति में मशगूल है, इनके लिए कौन लड़ेगा भाई, विपक्ष तो राजनीति में लग गया है, सरकार कब तक भागोगे, जवाब तो देना पड़ेगा। ये तमाम सवाल है जिसके साथ आज भारत एट नाइन में हम ये सवाल कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले हमारे पास दो तस्वीरें आई थी जिसमें दो बेटियां रो रही थी और किस तरीके से उनके आंसू जो थे वो हमसे सहन नहीं हो रहे हैं, वो आंसू दो तस्वीरों के जरिए आपको दिखवाते हैं और सवालों का प्लेट हटाइएगा और उन बेटियों की तस्वीरें लगाइएगा जरा, उसके बाद हम मेहमानों के पैनल से जुड़ेंगे और तमाम चर्चा करेंगे और बातचीत करेंगे। वीडियो ऑन द स्क्रीन प्लीज। तब ये वापस नयों के साथ हमें क्यों घसीट रही हो, हमारी 3 साल की मेहनत वो तो खराब कर दी ना, 2 पेपर होंगे पता नहीं कब होंगे और 2 पेपर में नया सिलेबस नया पैटर्न, रद्द यूपी में भी हुई थी, 1 महीने के अंदर उसी पैटर्न पर दोबारा एग्जाम करवा लिया था, हमारा तो जुलाई में एग्जाम वो भी दूसरे पैटर्न पर, हमारे पिछले 3 साल वाली मेहनत का क्या होगा, उसका क्या होगा, किसी से ने सोचा नहीं, सोचा कोई नहीं सोचता, गरीबों की तरफ सिर्फ जो पढ़ने वाले नहीं होते हैं, जो इन आंदोलन में जाते हैं, यहाँ मीडिया तो उनको ही दिखाती है, हाँ ये हो गया, रद्द करवा लिया, अब खुश हो सारे, ठीक है मिल गई शांति सभी को, हमारा तो किसी ने नहीं सोचा ना, सोचोगे भी नहीं। मेरिट कैंडिडेट जिनकी परीक्षा निरस्त की गई है, L2 वालों की, सरकार ने अभी हमारी परीक्षा निरस्त कर दी है, जो हमने सोचा नहीं था अचानक से हमें धक्का दिया गया, किनारे तक लाके हमें धक्का दे दिया गया, क्योंकि हमसे काउंसलिंग के फॉर्म भराए जा रहे थे, हम डॉक्यूमेंट तैयार करवा रहे थे, अब हमारी ये स्थिति हो गई है, अब हमें ये लगता है कि हमें अंधेरे कमरे में डाल दिया गया है और हमारा दम घुट रहा है, रात को जब भी नींद खुलती है अचानक से इसी चीज़ की याद आती है और हमारे रो रो के बुरा हाल हो जाता है, पर हम किसी से नहीं कह सकते, हम किसी को कुछ नहीं बोल सकते, चुपचाप कि अब हमें यूँ बोला जाता है कि चुपचाप आगे की पढ़ाई करो, हम अपनी पढ़ाई कर रहे थे 2014 से कर रही थी और मेरी फर्स्ट ट्रीट में अच्छी नहीं आए, सेकंड में आए थे बट मैं रह गई थी, तो मुझे लगा मेरी मेहनत में कमी है, तो मैंने इस बार की अच्छे से की पूरी दिन रात, 25 तारीख तक का रिकॉर्ड है मेरा लाइब्रेरी में, मैंने पढ़ाई की है, बहुत से बोलते हैं तेरे तो नंबर इसलिए आए हैं क्योंकि तेने पेपर खरीदा होगा, क्योंकि मेहनती वालों के लिए सब यही बोल रहे हैं, हमारी आवाज़ कोई नहीं सुन रहा, इन लोगों की संख्या ज़्यादा थी, फेलियर स्टूडेंट्स प्लस वो लोग जो नेता विपक्ष वाले ये सब लोग, उनको तो बस एक
इन्होंने घी डालने का काम किया विपक्ष वालों ने कि मुद्दा मिल गया अपन उठाएं। इन सब के बीच में हम लोग दबते जा रहे थे, हमारी आवाज़ किसी ने नहीं उठाई, पर हम बहुत बहुत ज़्यादा अवसाद से अवसाद में घिरे जा रहे हैं। हम बहुत ज़्यादा मानसिक प्रताड़ित हो रहे हैं अपने आप में। हम किसी को कुछ नहीं बोल पा रहे क्योंकि हम किसी से कुछ बोलते हैं तो कितने तो पैसे दिए होंगे, तेरे पैसे नहीं मिल रहे तुझे वापस, इसीलिए तू ये करना चाहता है। हर एक यही बोल रहा है तो वो डबल पीड़ा होती है, डबल डबल दर्द मिल रहा है हमें, कुछ नहीं हो रहा हमारा। माननीय मुख्यमंत्री जी से उम्मीद है, वो संवेदनशील मुख्यमंत्री हैं, कृपया करके अपने राजस्थान के युवा बेरोजगारों का साथ दीजिए, मेहनती बेरोजगारों का साथ दीजिए, दोषी जो है उन्हें बाहर कीजिए। आप जो SOG टीम आपने लगा रखी है, जब वो छोटे स्तर पे काम की कर रही है तो उन्हें बड़े स्तर पे लगाइए। प्लीज़ प्लीज़ सरकार हमारे ऊपर ध्यान दीजिए, हमें नई भर्ती में मत डालिए, हम और ज़्यादा आगे तक नहीं जा पाएंगे। इतना हमने किया मेंटली, आर्थिक तौर पे, मानसिक तौर पे, दोनों तरह से हमारा बहुत शोषण होता है। हम दोनों का तालमेल बैठा पाते हैं जब जाके इतने मार्क्स आ पाते हैं, हर वक्त ऐसी परिस्थितियाँ नहीं बन पाती। सरकार आप समझें, ऐसे रद्द करना कोई सोल्यूशन नहीं है। हमने बहुत परिस्थितियां देखी, उसके बाद ही मिला है। तो हमारे साथ तमाम परीक्षार्थी जो है बाजू बाजू वाली खिड़कियों पर आपको नजर आ रहे होंगे, आप सभी लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले तो आपका भारत एट 9 में, आप सभी लोगों का, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है भारत एट 9 में। आप सभी को मेरी आवाज आ रही है? जी सर। ठीक है, सबसे पहले तो ये बताना चाहूंगा आपको कि अभी दो वीडियो जो आप देख रहे थे ये सोशल मीडिया पर अनाउंस कर रही है, ट्विटर पर लगातार ये एक तरीके से वायरल है ये वीडियोस, जिस तरीके से ये रुंधे गले के साथ जो दोनों बेटियां हमारी बता रही थी, पहले बता रही थी कि किस तरीके से अन्याय हुआ है और सरकार की गलतियों का जो पूरा जो ठीकरा है, जो पनिशमेंट है, दरअसल इनको भुगतने के लिए मजबूर किया जा रहा है। तो ये एक चर्चा का विषय होना चाहिए कि अगर ट्विटर पर ये वीडियोज हम तक पहुंच सकती हैं, आप लोग लगातार एक तरीके से ट्विटर पर एक आंदोलन चला रहे हैं, तो ये क्या सरकार के लोगों तक, नेताओं तक ये वीडियोज नहीं पहुंच रहे? तो ये बिल्कुल इस बात को मैं गलत बताता हूं कि सरकार के लोग भी इन वीडियोस को देख रहे हैं, सरकार के लोग जो आप ट्विटर के जरिए इन वीडियोस को आगे बढ़ा रहे हैं, ये सरकार तक भी पहुंच रही है। क्योंकि अगर गहलोत की बात करूं, अशोक गहलोत साहब की मुख्यमंत्री हैं, वसुंधरा राजे हैं पूर्व मुख्यमंत्री हैं, गजेंद्र साहब हैं, 10 नेताओं के सोशल मीडिया पर आपको बता दूं कि 4 करोड़ फॉलोअर्स हैं। सीधे तौर पर वसुंधरा राजे जो हैं उनके ट्विटर पर 46 लाख फॉलोअर्स हैं, अशोक गहलोत हैं उनके 34 लाख फॉलोअर्स हैं, सचिन पायलट साहब हैं 36 लाख फॉलोअर्स हैं, राज्यवर्धन राठौर हैं 17 लाख फॉलोअर्स हैं, ऐसे ही हनुमान बेनीवाल साहब हैं 7 लाख फॉलोअर्स हैं, गजेंद्र शेखावत साहब हैं 4 लाख से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं, सतीश पुनिया साहब हैं 3,63,000 फॉलोअर्स हैं। मतलब ये सभी सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव है, लेकिन इसके बावजूद आप लोगों की बात सुनना ही नहीं चाहते। एक एक करके सबसे बात करेंगे हम। सबसे पहले स्क्रीन पर मेरे राइट में आप हैं, आप बताइएगा, अपना नाम बताइएगा, फिर पूरा आप बताइएगा आज कि किस तरीके से आपने मेहनत करी, किस तरीके से आपने एग्जाम दिए और इसके बावजूद किन समस्याओं से आज आप गुजर रहे हैं। टू माय राइट, ब्लू शर्ट, ब्लू टी शर्ट में आप हैं। हेलो जी, बिल्कुल नाम बताइएगा और बताइए। जी सर, नमस्ते सर। जी सर, मैं चंद्र प्रकाश शर्मा बिलवाड़ा से बोल रहा हूँ सर। जी जी सर, मेरे SST में 136 नंबर से लेवल सेकंड में है सर। और फर्स्ट लेवल में मेरे 135 हो रहे हैं। अब सर लेवल फर्स्ट में तो हमको पहले ही बीएड वालों को बाहर कर दिया है। अब हम 2019 से तैयारी कर रहे हैं लगातार, 3 साल से लगातार तैयारी करने के बाद हमारे जैसे भी घर वाले हो गए, हमारे मित्र हो गए, इन समय में हमारे को बोल जाते हैं कि तेरा नंबर आ ही नहीं सकता है, तेरा सरकारी नौकरी में सिलेक्शन हो ही नहीं सकता है। परंतु फिर भी मैंने मेहनत करके 136 नंबर लाए तो फिर मैं श्योर हो गया कि हाँ भाई अपना इस बार तो नंबर आ जाएगा। अब 136 नंबर आने के बाद भी अगर गवर्नमेंट अगर नौकरी नहीं देना चाहती तो इसमें हमारा क्या दोष होता है? मैं आपके इस चैनल के माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ सर, अगर 16,500 व्यक्तियों को केवल 1% होते हैं सर, 16 लाख के 1% होते हैं 16,500। हेलो, ठीक है? नहीं नहीं, आपकी आवाज आ रही है मुझको। हेलो, हाँ बात रखिए, आप अपनी बात रखते रहिए। ठीक है, आपकी बात, ठीक है आपकी बात मुझे बिल्कुल, मैं समझ गया हूँ। मैं आपको एक और बात बता दूं कि आज हमने अपने एक संवाददाता को जयपुर में भेजा था, उन एक मंत्री जी हैं, अभी मैं नाम डिस्क्लोज नहीं करूंगा, अभी थोड़ा सा सब कुछ हो जाएगा तब मैं एक डिटेल रिपोर्ट के साथ, डॉक्यूमेंटेड रिपोर्ट के साथ आपके सामने आऊंगा। तो अभी तक आपको बता दूं कि दरअसल वो पूरी तरीके से
पूरी तरीके से वो इग्नोर कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ठीक है इसको लेकर अभी आप देखिए आगे बहुत अच्छे जो डेवलपमेंट्स हैं वो होने वाले हैं, हमने भर्तियां जो हैं वो टोटली डबल कर दी हैं, एग्जाम अगर देंगे तो ज्यादा फायदा हो सकता है क्योंकि भर्तियां डबल कर दी गई हैं। जी सर, ये कहना है उनका। जी सर, मेरा एक छोटा सुझाव सर, अगर आप इसको अगर पहुंचा सके तो बहुत अच्छा होगा। बिल्कुल आप बात रखिए, मैं पहुंचाने के लिए बैठा हूं। 16,000 हाँ जी सर, जैसे कि अगर इनको लगता है कि सर 16,500 विद्यार्थी कुल है और उनमें से अगर कोई नकल करके आया है या कैसे भी सेटिंग करके आया है तो आप उसका नार्को करवा लीजिए ना, उसमें कहाँ दिक्कत है। अगर आपको इतना लग रहा है तो आपको नार्को करवा लीजिए, उसकी सीबीआई जांच करवा लीजिए, आर्मी से जांच करवा लीजिए, हम सारी जांच करवाने को तैयार है। आप जो नार्को का केस का खर्चा आता है वो भी हम पे करने को तैयार है, अगर आपको ऐसा लगता है कि हम नकल करके आए हैं तो। एग्जैक्टली यही पॉइंट होना चाहिए कि अगर एक की गलती है, मैं कह रहा हूं कि मेजॉरिटी की गलती है और माइनॉरिटी की गलती नहीं है, कम लोगों की गलती नहीं, लेकिन इसके बावजूद आखिर इस सजा को सब हर कोई क्यों भुगतेगा। जी सर, वो तो हमेशा हर एग्जाम कोई सा भी हो सर, हमेशा 1% वैकेंसी आती है, जितने भी फॉर्म आते हैं उसके 1% वैकेंसी रहती है, तो 99% तो हमेशा ही वही रहेंगे जिनका नंबर नहीं आएगा, तैयारी करने वाले तो केवल 1% है। तो आप उन 1% के लिए तो कोई आज दिन तक बोला नहीं, ना तो विपक्ष बोला ना पक्ष बोला कि भाई उनका क्या होगा जो मेहनत करके नंबर लाए हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, मेरे साइड में आप येलो में एक मैम, हम ये चाहते हैं कि आप चाहे नार्को टेस्ट कराएं चाहे कुछ भी कराएं। ठीक है ठीक है, आप पर आओ, एक आपके बिल्कुल नेक्स्ट टू यू एक मैम है येलो में, मैम आप अपना नाम बताइएगा और पूरा बताइएगा कि क्या आप आजकल किन परेशानियों का सामना कर रही हैं, कि किस वजह से मेहनत के बावजूद परिणाम आता है लेकिन परिणाम के बावजूद जब आज नियुक्ति की बात होनी थी, रिक्रूटमेंट की बात होनी थी, आज आप कहां फंसे हुए हैं। मैम आपको म्यूट हटाना पड़ेगा, पहले आपने म्यूट कर रखा उस म्यूट को हटा दीजिएगा। मैम आप म्यूट को हटा लीजिएगा, म्यूट कर रखा है आपने, उस म्यूट को हटा लीजिएगा प्लीज। मेरा नाम पूनम अग्रवाल है। जी मैम, पाली से हूँ। जी, मेरे रिक में 139 और मैंने इतनी मेहनत, 7 साल पढ़ाई छोड़ने के बाद मैंने बीएड करके एग्जाम को दिया था, ये मेरा पहला ही एग्जाम था। तो घर की जिम्मेदारी को छोड़ कर और अब जब नियुक्ति होने वाली थी स्थिति पे लाके खड़ा कर दिए, तैयारी कर पा रहे एग्जाम में, ऐसी परिस्थिति भी कि मैं इतने मार्क्स वापस ला सकूं। एग्जैक्टली ये भी एक पॉइंट है कि अगर जैसा कि अभी एक वीडियो चल रहा था उसमें भी एक मैम बता रही थी कि किस तरीके से उन्होंने लगातार मेहनत करी, कई बार वो रह गई इस चीज में, लेकिन अब मेरा बच्चा है छोटा, उसको भी छोड़ दिया मैंने कि मुझे रिट में तैयारी करनी है और सब कुछ छोड़ दिया, त्याग कर दिया कि इस बार तो नंबर लाना ही है, तो उन मेहनत वाले लोगों को क्यों क्यों इतने फंसा रहे बीच में। दूसरी बात ये है कि अगर आप एक पेपर नहीं संभाल सकते तो दुनिया की शिक्षा को क्या संभालोगे, पूरे पूरे भारत में या पूरे राजस्थान में भविष्य है सबका। आपने स्टूडेंट को डरा ही दिया कि वो गवर्नमेंट भाग ही नहीं ले सकता, क्योंकि सिर्फ पेपर दो और जो पेपर भेजते हैं बस वही आ सकता है, मेहनत वाला तो कभी कुछ कर मतलब भविष्य तो पूरा स्टूडेंट तो कैसे हम अपने फॉर्म की तैयारी करें। ठीक है ठीक है ठीक है मैम, हमारी जिंदगी करते रहेंगे हम लोग, सभी फीस माफ करने से क्या होगा, टाइम आएगा क्या वापस। ठीक है मैम, ठीक है दिन हमारी रात में। ठीक है मैम, आप पर आता हूँ। ये दिव्या जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। दिव्या जी, मैं ये जानना चाह रहा था कि हमने मैं आपको आज का एक अपडेट दे देता हूँ। आज हमने अपने एक रिपोर्टर को भेजा था तो उनसे, अभी मैं नाम डिस्क्लोज नहीं करूँगा, अभी काफ़ी उसको लेकर मेरे पास वीडियो डॉक्यूमेंट्स हैं, मैं उसको लेकर भी बात करूँगा, अभी नाम डिस्क्लोज नहीं कर सकता, लेकिन उनका ये कहना था, उन साहब का, कि आप समझ नहीं रहे हैं, हमने नौकरियों की जो संख्या है, जो रिक्तियों की संख्या, वो बढ़ा दी है, अगर ये लोग दोबारा से एग्जामिनेशन देते हैं दिव्या जी तो आपको फ़ायदा होगा, वो ऐसा कह रहे थे। तो उनको आप क्या कहना चाहेंगी, आप बताइएगा। हेलो जी, दिव्या जी आपकी आवाज आ रही है मुझे, मैं ये कह रहा था, दिव्या जी आपको मेरी आवाज आ रही है, दिव्या जी आपको मेरी आवाज मिल रही है,
ठीक है, डायरेक्टर साहब दिखवाइए जरा क्या समस्या है। दिव्या जी आपको मेरी आवाज आ रही है, मिल पा रही है? आपको मेरी आवाज आ रही है? मैं आपको सुन पा रहा हूं दिव्या जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? चलिए ठीक है, कनेक्टिविटी का कुछ। आप दिव्या जी एक काम करिए, आप डायरेक्टर मेरा कह रहा है कि आप हेडफोन हटा दीजिएगा, ये जो आपने लगा रखे हैं ईयरपीस, ईयरफोन्स लगा रखे हैं, इनको हटा दीजिए। आप डायरेक्ट फोन से बात कीजिए, आप ईयरफोन्स को हटा दीजिए। ठीक है दिव्या जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? चलिए ठीक है, कनेक्टिविटी का कुछ इशू है, इसको सॉल्व करेंगे। अगर दिव्या जी दोबारा कनेक्ट होंगी तो इनको जोड़ेंगे हमारे साथ। दिव्या जी आपको मेरी आवाज आ रही है? लास्ट टाइम और रिकॉर्ड कर लेते हैं। ठीक है दिव्या जी आपको मेरी आवाज आ रही है? आपको मेरी आवाज आ रही है? चलिए ठीक है दिव्या जी, आप पीसीआर मेरा कह रहा है कि आप हेडफोन हटा दीजिएगा, आप ये ईयरफोन हटा दीजिएगा तब आपको मेरी आवाज आएगी। आप ये ईयरफोन हटा दीजिए अगर आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है तो। चलिए ठीक है, मसला है। बाकी मेरे बिल्कुल, अगर स्क्रीन की बात करूं तो मेरे जो लेफ्ट में है साहब, सर अपना नाम बताइएगा सबसे पहले तो। सर मेरा नाम भूपेंद्र है। ठीक है भूपेंद्र साहब ये बताइए, मैं जालौर डिस्ट्रिक्ट से हूँ। सबसे पहले तो मैं बस ये परेशानियां जानना चाह रहा हूँ कि जिस तरीके से काउंटर किया जा रहा है कि नहीं ठीक है एग्जाम दोबारा दे सकते हैं, अगर पहली बार में पास हो गए दोबारा एग्जाम दे देंगे, कोई नहीं, बात नहीं। नहीं सर, नहीं 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 सर, कहना सर बहुत आसान है कि हम दोबारा दे सकते हैं, लेकिन सर जब 2018 में जब रेट की वैकेंसी आई तब से हम तैयारी कर रहे हैं, 5 बार तो एग्जाम पोस्टपोन हो गया, हम सोचते हैं अब एग्जाम हो, हम एग्जाम हो, अब एग्जाम हो, हम तैयारी कर कर सर गए। सर मैं एक बीपीएल परिवार से स्टूडेंट हूँ और मेरे फैमिली अब सर मुझे तैयारी के लिए थोड़ी ना टाइम दे दी है, हमारे साथ अशोक गहलोत जी ने बहुत बड़ा अन्याय किया है। मैं एक सर बीपीएल कैटेगरी से स्टूडेंट हूँ, मेरी माता जी ने मुझे सर मजदूरी कर मुझे पढ़ाया है सर, मेरे साथ बहुत बड़ा सर अन्याय हो रहा है सर। अब लग रहा था कि घर वालों को अब जॉब लग जाएगी, पूरी फैमिली मेरे को डिपेंड करती है कि अब मुझे सर खुशी मिलेगी, क्योंकि माता पिता को लग रहा था कि अब मेरा जो सपना था वो पूरा हो गया, लेकिन अचानक ये फैसला सुनकर सर मैं अपने दोस्त कुछ कहने के बहुत इमोशनल हो गया सर। नहीं नहीं कोई बात नहीं, आप निश्चिंत रहिए, आप हम लगातार इस चीज को बात कर रहे हैं, कब तक भागेंगे, कब तक इस चीज को काउंटर करेंगे। नहीं सर ये हमारे सर इसमें सर हमारी क्या गलती है सर? नहीं नहीं बिल्कुल, मैं आपके साथ हूं, मैं वही बात कह रहा हूं कि दोबारा एग्जामिनेशन की अगर बात कर रही है सरकार तो सबसे पहले तो खुद इस्तीफा दे, असेंबली को भंग करे और खुद इलेक्शंस में आए, फिर इलेक्शंस में जीते तब दोबारा से नौकरियों की बात की जाए, खुद भी तो टेस्ट देना जाने दोबारा। चलिए भार्गव साहब भी हमारे साथ हैं, एक जैसी थोड़ी ना होती है सर। दैट्स माय पॉइंट। ठीक है भार्गव साहब भी हमारे साथ हैं। भार्गव जी आपको मेरी आवाज आ रही है ना? भार्गव जी आपको मेरी आवाज आ रही है? भार्गव जी म्यूट हटाइएगा। हेलो, हाँ भार्गव जी आपको मैं, हाँ जी सर। ठीक है सर, भार्गव जी क्या कह रहे हैं आप इस पूरे मसले को लेकर? सर मैं, मेरा नाम भवलाल है, मैं फ्रॉम सीकर से हूँ। ठीक है, तो सर मैंने लगातार 2018 से रेगुलर तैयारी कर रहा हूँ, तो मैंने कुछ किसी ना रूप से करके मैं इतने स्कोर किया था मैं कंप्यूटर से फाइट कर लूँ। तो सर आप ये लीडर का नाम बता रहे हैं एक का कि हमने वैकेंसी दुगुनी कर दी है, तो उनको बोल दीजिए कि आप इस्तीफा दे दीजिए और अगले साल हम भी वादा करते हैं आपसे कि आपको 10 साल के लिए सेलेक्ट कर लेंगे, तो आप भी अपना इस्तीफा दे दीजिए। ठीक है, बिल्कुल पॉइंट। और सर पिछले जो हरियाणा में इसी तरह का मैटर हुआ था एक बार, तो वहां पे पहले उनको ज्वाइनिंग दी, उसके बाद में सब कुछ सीबीआई जांच हुई, तो ये गवर्नमेंट ऐसा नहीं कर सकती है। नहीं बिल्कुल एग्जैक्टली, और ऐसे ही पॉइंटेड जो बातें अगर आप लोग कहेंगे तो ज्यादा से ज्यादा अगर लोग आप बात कहेंगे, लोग आप आवाज उठाएंगे तो सरकारें हिलती हैं और डिसीजंस को वापस भी लेती हैं, ये काफी होता है, आप लोग निश्चिंत रहिए इस बात को लेकर। एक एक बात को आपकी मैं आगे पहुंचाऊंगा, अगर दिव्या जी को मेरी आवाज आ रही हो तो वो बोल सकती हैं काफी वो सर ये जी
ये सर मेजोरिटी की कहानी रद्द हो गई, हमारी मेजोरिटी कम है इसलिए ये रद्द हो गई वैकेंसी। नहीं नहीं अभी रद्द नहीं हुई, एक डिसीजन है जिसको लेकर हम आगे भी बातचीत करेंगे। दिव्या जी आपको मेरी आवाज आ रही है, आप काफी कह रही थी आपको कुछ बोलना है, अगर आपको मेरी आवाज आ रही हो तो आप बोल सकती हैं। चलिए ठीक है, अभी थोड़ा समय इजाजत नहीं दे रहा है लेकिन थोड़ा सा इस पे सुधार करना होगा, कनेक्टिविटी की थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है। दिव्या जी को कल जोड़ने की कोशिश करेंगे, कल एक बार फिर उस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। जैसा कि मैं बता रहा था कि इसको लेकर चर्चा की अहम जरूरत थी, आज काफी लोग हमारे साथ जुड़े लेकिन समस्या दरअसल आ रही है कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम में आ रही है और आप काफी नए हैं इस चीज को लेकर, तो जुड़ने में थोड़ा सा स्क्रीन पर थोड़ा सा प्रेजेंस जो है वो ठीक नहीं आ पा रहा है और कनेक्शन की काफी समस्या आ रही है। आप काफी लोग जो है, मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे लोग उससे जुड़े हुए हैं और बहुत सारे लोग अपनी बात रखना चाहते हैं लेकिन ये मेरी तरफ से कहीं ना कहीं कम हो रहा है कि मैं सभी लोगों से उनकी बात नहीं रखवा पा रहा हूँ, सभी लोगों को नहीं जोड़ पा रहा हूँ। इसमें मेरी बिल्कुल भी कहीं तक भी फॉल्ट नहीं है, मेरी पूरी कोशिश है कि आप सभी लोग मेरे साथ जुड़े लेकिन कहीं ना कहीं ये टेक्निकल इशूज़ और टेक्निकल समस्याएँ हैं जो अभी हम भी फेस कर रहे हैं और इस वजह से फेस कर रहे हैं क्योंकि आप लोग भी टीवी के साथ जुड़ने में थोड़ा सा अभी पहली दफ़ा है आपके साथ इसलिए समस्याएं आ रही है। लेकिन मैं लगातार आप जो भी बात रख रहे हैं उनको आगे बढ़ा रहा हूं, लगातार आपके एक एक पॉइंट को, जैसा कि अभी हमारे भाई ने एक जवाब दिया है भार्गव साहब ने कहा है कि इनसे कहिए कि ये पहले इस्तीफा दे दें और अगर ये जीत कराते हैं तो इनको हम 10 साल के लिए सीएम बना देंगे, 10 साल के लिए इनकी सरकार रखेंगे, अगर ये यही बात कह रहे हैं कि रिक्तियां डबल कर देंगे तो एक बड़ा पॉइंटेड बात थी, इसको भी हम आगे बढ़ाएंगे। और बाकी जो हमारे भाई थे मुश्किल हो गए थे कहते हुए, उनके लिए मैं कहना चाहता हूं कि हम हर बात को कब तक ये भागेंगे और कब तक जो सरकार है जो ये बात कर रही है कि ठीक है इसको रद्द कर दिया तो कर दिया, जुलाई में दूसरी करवा लेंगे, लेकिन इसको रुकेंगे नहीं, आपको कोई भी किसी भी तरीके का लाभ जरूर दिलवाएंगे। जो लोग दूसरे लेवल पर पास हैं उनको किसी ना तरीके का लाभ जरूर मिलेगा, जरूर मिलेगा, ये मेरा आपसे वादा है और इस पर लगातार, इस पर रुकने वाले नहीं है, इसको कैंपेन को हम लगातार लीड करेंगे, इसको आगे बढ़ाएंगे। कल भी आपसे चर्चा करेंगे और कल हम एक बार फिर अपने संवाददाताओं से कहेंगे, जयपुर से जो हमारे साथ बने हुए हैं उनको अभी डिस्क्लोज नहीं कर सकता, वो लोग भी अभी एक हम काम पर हैं उसको मैं आपको बताऊंगा, कुछ समय के बाद बताऊंगा, लेकिन वो उन संवाददाताओं से भी मेरी अपील है कि आप लोग बहुत शानदार काम कर रहे हैं, आप करते रहिए और आपके काम का फल भी जरूर निकलेगा। आज के लिए इतना ही, कल एक बार फिर आपसे मुलाकात करूंगा, शुक्रिया। देखिए भारत @9 काबेंद्र चौहान के साथ।